हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बनाएंगे हम नए अंदाज में गोभी के कोफ्ते, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन भी है और स्वादिष्ट भी है। इसमें तेल का उपयोग मैंने बिल्कुल नहीं किया है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छे हैं जो कि तेल नहीं खाना चाहते हैं और कोफ्ते भी उन्हें बहुत पसंद हैं। तो मैंने इसमें कोफ्ते इस तरह से बनाए हैं कि इसमें तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जिससे कि ये हेल्दी भी हैं और खाने में स्वादिष्ट भी हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो उसके लिए मैंने गोभी को इस तरह से काट लिया है और इसे अच्छे से पानी से धो लिया है, नमक के पानी से, साफ़ पानी से धो लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें एक ब्लेंडर में लेना है और इसका हमें दरदरा सा एक पेस्ट बनाना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा ही से पीसेंगे। मैंने मिक्सर में डाल दिया है और इसे देखिए दरदरा पीस लिया है इस तरह से। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं या चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास इच्छा हो। मैंने इसे मिक्सर में कर दिया है, इसे जल्दी हो जाता है। तो मैंने इसे बोल में निकाल लिया है। एक इसका बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाइएगा, बिल्कुल दरदरा ही रखिएगा, जैसे कि कोफ्ते बनाने के लिए हम करते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें प्याज को डाल देंगे। देखिए बिना तेल के मैंने डाला है इसमें। और इस बार मैं आपको नए तरीके से बनाऊंगी। पिछली बार मैंने भून के बताए थे ना प्याज और लहसुन को, लेकिन इस बार मैं इस तरह से बनाएंगे जैसे कि हम तेल में भूनते हैं। लेकिन हम इसे तेल में नहीं भूनेंगे, इसे पानी में ही भूनना है हमें। और उस किस तरह से भूनना है देखिए, पहले प्याज को डाल देना है हल्का सा। जब ये जलने लगे, आपको लगे कि जल रहा है, तो आप इसमें एक चम्मच के करीब पानी ऐड कीजिएगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। एक एक चम्मच करके हमें इसमें पानी ऐड करना है। ये देखिए मैं एक एक चम्मच करके पानी ऐड कर रही हूँ। इससे देखिए ब्राउन होते जा रहे हैं प्याज। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करने, थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें हम आप इसमें डाल देंगे टमाटर। एक प्याज है तो मैंने इसमें तीन टमाटर डाले हैं और उनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इसमें नमक डाल दूँगी जिससे कि टमाटर थोड़ा जल्दी गल जाए। इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और टमाटर को थोड़ा गलने तक पकाना है। अब मैंने इसमें मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। बस टमाटर को हमें सॉफ्ट करना है, बहुत बारीक नहीं बनाना है। बारीक देखिए सॉफ्ट बन चुके हैं। अब मैं इसे फिर एक ब्लेंडर में डालूँगी और इसका भी हमें पेस्ट बना लेना है। इस ऐसा करने से ग्रेवी जो है बहुत थिक बनती है, अच्छी बनती है। देखिए डाल दिए मैंने इसमें। अब इसको मैं पीस लूँगी। ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब उसी कढ़ाई में इस पेस्ट को हमें डाल देना है बिना तेल के। देखिए बिना तेल के डाल रहे हैं, इसमें कोई भी तेल का यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी और इसमें अच्छे से मिक्सी से निकाल के इसमें डाल देंगे हम। इस तरह की ग्रेवी आप किसी भी सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिना कोई दाल बनानी है आपको, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है। थोड़ा सा इसे कड़छी से इस तरह से हिला लेते हैं। आप चाहे तो इस जो पेस्ट है इसमें आप काजू भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। आप तीखा पसंद करते हो आप तो तीखी वाली भी डाल सकते हैं, जितना भी आप चटपटा खाना पसंद करते हैं। और जो भी आपके पास रेगुलर मसाले हैं वो डाल दीजिए। मैंने इसमें अपना धनिया जीरे का पाउडर डाला है, मिक्स मसाला है, इसी में गरम मसाला भी होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी।
और इसे थोड़ी देर हमें भूनना है, थोड़ा सा पानी सूखने तक इसे पकाएंगे हम। चलिए तब तक हम क्या करते हैं, अपने कोफ्ते बना लेते हैं जब तक कि ग्रेवी पक रही है। तो मैंने कोफ्ते के लिए वो जो पेस्ट बनाया था वो ले लेंगे। अब उसमें डाल देंगे 3 बड़े चम्मच के लगभग मैंने इसमें वो डाला है बेसन। अब मैंने अदरक और लहसुन का जो हरी मिर्च का पेस्ट था वो इसमें भी डाला है और ग्रेवी में डाला था, तो थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया है। इससे ये थोड़ा चटपटा सा टेस्ट आता है, इसमें अच्छा लगता है। अब इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी मैं हरा धनिया। नमक डालूंगी, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये मैंने थोड़ा मसाला डाल दिया है इसमें। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी, बिना पानी के ही से पहले मिक्स करेंगे। जितना ज़रूरत है उतना ही हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो पहले मैंने चम्मच से मिला लिया है इसे अच्छे से। अब मुझे लगेगा इसमें पानी डालना है तो उतना ही मैं इसमें पानी डालूँगी। इसका टाइट डो नहीं बनाना है हमें, थोड़ा सॉफ्ट ही रखेंगे। हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बेसन इसमें कम पड़ा है, तो मैं इसमें बेसन और डाल दिया है मैंने, तो कम से कम 4 बड़े चम्मच के करीब इसमें बेसन पड़ गया है। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से फेंट फेंट के मिला लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, 1/4 चम्मच है बेकिंग सोडा, वो डाल दिया मैंने इसमें। इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, इससे ये स्पॉन्जी टाइप के बनते हैं और अच्छे से पक भी जाते हैं। इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर देंगे। इसका टाइट डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा स्टिकी सा बनाएंगे तो ये सॉफ्ट बनेंगे। अगर थोड़ा टाइट गूंदेंगे इसको तो ये टाइट हार्ड हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से ही बनाना है। इसके जो घोल बनाएंगे आप। अब मैंने इडली स्टैंड ले लिया है, इसमें ऑयल हल्का सा ऑयल डाल दिया है जिससे कि ये चिपके ना इस पर। अब हम इसमें इडली की तरह से बना लेंगे। हम चलिए अपना मसाला देख लेते हैं जो हमने पकने के लिए रखा था। देखिए पानी इसका सूख चुका है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, पानी डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से चारों तरफ से। इसमें पानी और डालेंगे क्योंकि ये पक के थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देंगे हम, जब तक कि बॉयल ना आ जाए तब तक इसे पकाएंगे हम। इसमें धीरे धीरे बबल उठ रहे हैं। बॉयल हो चुका है, अब इसमें हम वो स्टीम रख देंगे जो हमने इडली बनाई थी
उसके ऊपर ही रख देंगे और इसे ढक देंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसे पकने देंगे आराम से। अब 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं। तो हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मैंने एक टूथपिक इसमें डाली है, अगर ये साफ़ निकल जाए तो समझिए कि पक चुके हैं। अगर लगे थोड़ा स्टिकी सी है तो इसे थोड़ा देर और पकने दें। ये बिल्कुल बन के तैयार हैं, अब इसे निकाल लेते हैं हम। अब इसे मैं निकाल लूँगी। ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल बनके रेडी है। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। इस ग्रेवी में पानी डाल देंगे क्योंकि ग्रेवी ना जब हम इस पर कोफ्ते अपने डालेंगे तो गाढ़ी हो जाती है, तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। चलिए अब कोफ्ते देख लेते हैं। ठंडे हो चुके हैं, इन्हें चम्मच से इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल इडली की तरह। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ, वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे करके मैं सारे निकाल लेती हूँ। इसे ठंडे होके ही निकालिएगा, ये तो टूट जाते हैं। अब देखिए बिल्कुल बन के तैयार हैं। अब हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने 2 पीस में काटा है। ये ग्रेवी में जाके बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा लीजिए। इस तरह से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेंगे। जब भी आपका मन करे इस तरह से आप कोफ्ते बना सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसे ग्रेवी में डाल दिया है। सारे कोफ्तों को इसी तरह से डाल देंगे इसमें। पानी इसमें ज़रा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं ये बेसन पानी को सोख लेता है तो ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो इसमें पानी हमें ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। देखिए आप इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। देखिए कितने बढ़िया बन के तैयार होंगे, अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुके हैं हमारे कोफ्ते, अब बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो चलिए अब इसे सर्व करेंगे हम। मैंने एक प्लेट ले लिया है और इसमें मैं डालूँगी, इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। आज हम इसे खाएंगे चावल के साथ। तो थोड़े से मैंने कोफ्ते ले लिए हैं, थोड़ा दही डालूँगी। और साइड में रख देंगे थोड़ा सा सलाद, प्याज डाला है मैंने इसमें और गाजर और मूली। थोड़ा हरा धनिया से सजा देंगे इसे और अब डालेंगे चावल और साइड में रख देंगे थोड़ा सा अचार। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही हेल्दी थाली है ये। तो मैं इसे दूंगी अपने पतिदेव को। तो चलिए उनको देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए तो मैंने इन्हें थाली दे दी है, अब ये इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो भैया आपको कैसी लगी है रेसिपी बिना तेल के? भैया इन्हें तो बड़ी पसंद आ गई है, ये तो तेल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें ये रेसिपी पसंद आई तो वाकई में अच्छी बनी होगी। तो चलिए आप भी ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।